Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to lecture number 8 of Mathematical Statistics. In the last lecture, we gave an introduction to probability. उसके बाद हमने कुछ counting problems की, फिर multiplication theorem देखा, और फिर हम देखा what is permutation. आज हम start करेंगे review of the last lecture से. थोड़ा सा review लेंगे, हमने last lecture में क्या किया था, फिर permutation को continue करेंगे, और फिर combinations और probability को introduce करेंगे और उसके कुछ examples करेंगे. सबसे पहले, what is permutation? A permutation is an arrangement of all or part of a set of objects. जैसे कि हमारे पास three letters हैं, A, B and C. English के three letters A, B and C हैं. इनकी अगर हम permutation बनाएं, जो कि तीन ही letters पे हो, तो वो बनती है A, B, C. यानी कि पहले हम A रख लें, फिर B, फिर C. Next up, A, B and C, फिर A, C and B. फिर हम पहले स्पेस पे रखते हैं B, फिर A and C, फिर B, C, A, और C, A, B, और फिर अगर फर्स्ट प्लेस पे C हो, दूसरे पे B आ जाएगा और तीसरे पे A आ जाएगा. तो ये टोटल परमुटेशंस जो बन रही हैं, इनकी ऑर्डर बन रहा है, अरेंजमेंट बन रहा है, ए बी सी का तीन का ग्रुप बनाना है हमने, ए बी और सी तीनों का ग्रुप बनाएं और जो डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनती हैं इसकी वो क्या बनती है. आप इस एग्जांपल को यूं कंसीडर करें कि हमारे पास तीन लोग हैं, ए बी और सी, और हमारे पास तीन कुर्सियां हैं. तो कुर्सी नंबर एक, कुर्सी नंबर दो और कुर्सी नंबर तीन, तो इस पे ये कैसे बैठ सकते हैं, किस किस ऑर्डर में बैठ सकते हैं. अगर पहली कुर्सी पे ए बैठा हुआ है तो दूसरी पे बी और तीसरी पे सी बैठ सकता है, और अगर पहली कुर्सी पे ए बैठा हुआ है तो दूसरी पे सी और तीसरी पे बी बैठ सकता है. इसी तरह हम बी को पहली कुर्सी पे बिठाएं तो दूसरी कुर्सी पे ए और तीसरी पे सी. सिमिलरली पहली कुर्सी पे अगर बी बैठा रहे तो दूसरी कुर्सी पे जो कि पहले ए था अब सी कर दिया हमने, और फिर तीसरी कुर्सी पे ए, और अगर पहली कुर्सी पे सी को बिठा दें दूसरी पे ए को और तीसरी को पे बी को. इसी तरह अगर पहली कुर्सी पे सी बैठा रहे तो दूसरी पे बी को कर देंगे और तीसरी में ए को कर देंगे. ऐसे इन सब को हम परमुटेशन कहते हैं, ऑर्डर या अरेंजमेंट कहते हैं. तो इस अरेंजमेंट के में कितने एलिमेंट्स होंगे, कितनी आउटकम्स होंगी, वो कैलकुलेट करने के लिए हमने फार्मूला दिया था जो कि था अगर हमारे पास तीन ही, जैसे इस एग्जांपल में तीन लेटर्स थे और तीन ही प्लेसेस थी, या तीन लोग थे तीन ही कुर्सियां थी, तो पहली कुर्सी पे हम उन तीनों में से किसी एक को बिठा सकते हैं. तो हमारे पास पहली पोजीशन के लिए तीन चॉइसेस हो गई. अब क्योंकि उन तीन लेटर्स में से एक निकल गया, पहली चेयर पे आ गया, तो बाकी दो के लिए, दूसरी चेयर के लिए हमारे पास सिर्फ दो चॉइसेस बचती हैं, या बी बैठेगा या सी बैठेगा, या पहला अगर निकाल दें तो बाकी जो दो बचेंगे उनमें से कोई भी दूसरी चेयर पे बैठ सकते हैं. तीसरी पे तो एक ही चॉइस बचेगी और एक ही चेयर होगी तो वो उसमें आ सकते हैं. तो अगर हम मल्टीप्लाई करें उनको तो वो एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टिल 3, 2, 1. तो n लेटर्स हों और n ही प्लेसेस हों तो हमारे पास n फैक्टोरियल तरीके हैं, वेज हैं, जिनमें इनको अरेंज किया जा सकता है, और ये हमें टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट परमुटेशंस दे सकते हैं ऑफ n थिंग्स टेकन n एट अ टाइम. नेक्स्ट अब जी, In general, n distinct objects taken r at a time can be arranged in. अब थोड़ी सी प्रॉब्लम चेंज हो गई है. प्रॉब्लम क्या है कि पहले हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स थे, n ही प्लेसेस थी, यानी कि तीन लोग थे तीन ही कुर्सियां थी, चार लोग हैं चार ही चेयर्स हैं. अब हमारे पास अगर पांच लोग हैं और तीन चेयर्स हैं तो फिर क्या होगा,
फिर कितनी अरेंजमेंट्स बन सकती हैं. एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम कैन बी अरेंज्ड इन एन इनटू एन माइनस वन इनटू एन माइनस टू अप टिल एन माइनस आर प्लस वन. और वी रिप्रेजेंट दिस प्रोडक्ट बाय द सिंबल एन पी आर. ये सिंबल जो याद रखिएगा एन पी आर. इसमें एन है टोटल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, आर जितनी हमारे पास चेयर्स हैं. याद रखने का तरीका यह है कि एन कितने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं यानी कि लोग हैं, और आर कितनी प्लेसेस हैं यानी कि चेयर्स हैं. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें करना पड़ेगा एन फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल. फैक्टोरियल मैंने आपको बताया था, जैसे कि अगर 4 का फैक्टोरियल लिखूं तो वो क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 3 इज़ 12 इंटू 2 24. तो फैक्टोरियल यूं कैलकुलेट करते हैं, उस नंबर से लेके 1 तक तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो अब जो डिफरेंस है वो है n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और r एट अ टाइम हमने लिए, यानी कि n पीपल हैं और r चेयर्स हैं, और r हमेशा n से छोटा ही होगा, ज्यादा बड़ा नहीं, बड़ा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है मगर बड़ा नहीं हो सकता. अभी तक हमने परम्यूटेशंस ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को स्टडी किया. That is, all the objects were completely different or distinguishable. क्या कहना चाह रहे हैं हम? So far we have considered permutation of distinct objects. जैसे कि पहली example थी, हमारे पास A, B और C तीन letters थे, तीनों different थे. That is, all the objects were completely different or distinguishable. वो सारे के सारे different थे और हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते थे. इफ द लेटर बी एंड सी आर बोथ इक्वल टू एक्स, अगर आप कंसिडर करें बी और सी नहीं है, हमारे पास ए एक्स एक्स है, यानी कि बी और सी की जगह हम एक्स एक्स लिखते हैं, देन द सिक्स परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स ए बी एंड सी बिकम ए एक्स एक्स ए एक्स एक्स ए एक्स 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 ए एक्स एक्स ए एक्स 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 ए एक्स एक्स ए. अब अगर देखें तो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला दोनों सेम है, इसी तरह तीसरा और चौथा हमने इकट्ठे लिख लिया, ये भी सेम आ रहे हैं, और पांचवा और छठा भी सेम है. तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दूसरे दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, और पहले दोनों में भी कोई डिफरेंस नहीं है. इसका मतलब है अब हमारे पास 6 डिफरेंट या डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस नहीं आ रही, सिर्फ 3 आ रही हैं. उसकी रीजन ये थी कि 2 हमारे पास जो लेटर्स थे वो सेम हो गए. देयरफॉर विद 3 लेटर्स 2 बीइंग द सेम वी हैव 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल व्हिच इज 3 डिस्टिंक्ट पोजीशन. क्योंकि अगर ये तीनों डिस्टिंक्ट होते ए बी और सी होते तो हमारे पास 6 बनती थी. अब हमारे पास क्योंकि 2 सेम है, आप यूं कंसिडर कर लें कि इट इज ए एक्स एक्स, तो आप जिस मर्जी ऑर्डर में लिखें तो कोई जो डिस्टिंग्विशेबल आउटकम्स होंगी या परम्यूटेशंस होंगी वो सिर्फ 3 ही बचती हैं. इसी तरह हमने किया कि फॉर 4 डिफरेंट लेटर्स ए बी सी एंड डी वी हैव 24 डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस. अगर 4 ही प्लेसेस हों और 4 ही लेटर्स हों तो हमारे पास 24 डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस आती हैं. अब अगर हम पहली दो के ए और बी को एक्स के बराबर रख लें और सी और डी को वाई के बराबर रख लें, यानी कि मैं इसको यूं लिखूंगा कि इनिशियली मेरे पास ए बी सी और डी था, अब मैंने इसको लिख लिया एक्स एक्स वाई और वाई. अब आप इसकी परम्यूटेशन अगर बनाएं तो इसका आसान तरीका यह है कि पहले ए बी सी और डी की परम्यूटेशन बना लें, और फिर जहां जहां ए है वहां पे भी एक्स डाल दें, जहां बी है वहां पे एक्स डाल दें, जहां सी है वहां पे वाई डाल दें, और जहां डी है वहां पे भी वाई डाल दें. जब हम ये करते हैं तो हमें जो डिस्टिंक्ट
परमुटेशंस मिलती हैं, टोटल डिस्टिंक्ट परमुटेशंस वो सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6 मिलती हैं, क्योंकि जब ये तमाम डिफरेंट थे तो इस केस में हमें 24 मिल रही थी, अब इस केस में हमें सिर्फ और सिर्फ 6 मिल रही। और वो कैसे आया? वो आया 4 फैक्टोरियल अवर 2 फैक्टोरियल अवर 2 फैक्टोरियल, क्योंकि चार जो लेटर्स थे उनके दो सेम थे और फिर दो दूसरे भी सेम थे, तो हमारे पास 6 डिस्टिंक्ट परमुटेशंस मिल रही। तो इसके लिए हमने जो एक जनरलाइज किया फॉर्मूला वो ये था, द नंबर ऑफ वेज ऑफ पार्टिशनिंग अ सेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स इनटू आर सेल्स विद एन वन एलिमेंट्स इन द फर्स्ट सेल, एन टू एलिमेंट्स इन द सेकेंड सेल एंड सो ऑन सो फोर्थ। वी हैव द फॉर्मूला एन अवर एन वन कॉमा एन टू एन थ्री एन फोर, और ये जो सिंबल है इसको आप यूं लिखते हैं, एन फैक्टोरियल अवर एन वन फैक्टोरियल, एन टू फैक्टोरियल, एन थ्री फैक्टोरियल, अप टिल एन आर फैक्टोरियल, जहां पे याद रखा जाए कि एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री प्लस एन आर शुड बी इक्वल टू एन। जैसे कि हमारे पास पिछले केस में चार लेटर्स थे जिसमें से दो एक्स थे और दो वाई थे, तो इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो टोटल फिर हमारे पास चार आ जाता है जो कि सेम है। ये एग्जांपल देखते हैं हम, इन हाउ मेनी वेज कैन 7 स्टूडेंट्स बी असाइन टू 1 ट्रिपल एंड 2 डबल होटल रूम्स ड्यूरिंग अ कॉन्फ्रेंस। इस एग्जांपल को जरा मैं डिफरेंट तरीके से करूंगा, कल भी हमने इसको किया था मगर मैं आज इसको पहले एक और तरीके से करना चाहता हूँ। लेट्स से इसका कॉन्ट्रेरी हम देखते हैं, अगर 7 स्टूडेंट्स हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 7, और अगर हमारे पास सिंगल रूम्स होते, साथ ही सिंगल रूम्स होते, यानी कि मैं कहता कि एक रूम 1 है, रूम 2 है, रूम 3 है, रूम 4 है, रूम 5 है, रूम 6 है, तो रूम 7 है, तो फिर क्या परमुटेशंस टोटल हम क्या अरेंजमेंट कर सकते थे कि पहले रूम पे किस स्टूडेंट को डालते हैं, दूसरे में किसको डालते हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो वो आता मेरे पास एन फैक्टोरियल विच इज 7 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वो केस था जब हमारे पास तमाम रूम्स डिफरेंट थे। अब जो ये प्रॉब्लम है, ये एग्जांपल है, वो क्या कह रही है कि एक हमारे पास रूम है जिसमें 3 स्टूडेंट्स आते हैं, दूसरा रूम है जिसमें सिर्फ 2 स्टूडेंट्स आते हैं, और तीसरा रूम भी है जिसमें 2 स्टूडेंट्स आते हैं। तो यहाँ पे हम 7 स्टूडेंट्स को कैसे अरेंज कर सकते हैं? हम 3 स्टूडेंट इसमें डाल देंगे, 2 इसमें और 2 इसमें। अब कौन से 3 इसमें डालते हैं? लेट्स से वो ए बी सी हैं, तो ए बी सी अगर परमुटेशन हो तब भी इसमें आएगी, सी बी ए हो तब भी आएगी, बी ए सी हो तब भी इसी में आएगी, और बी सी ए हो तब भी इसी में आएगी। इस तरह से तमाम परमुटेशन जो ए बी और सी को यूज करती हैं वो इसमें आ जा सकती हैं। इसी तरह हम 2 में भी कर सकते हैं। तो अब हमें ये 3 लोगों के क्या ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता। सो बेसिकली ये प्रॉब्लम वही बन जाती है दूसरी वाली, विच इज लास्ट थ्योरम जो था हमारा कि एन वन इज इक्वल टू 3, एन टू इज इक्वल टू 2 एंड एन 3 इज इक्वल टू 2, वेयर इफ यू चेक एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री इज इक्वल टू 3 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 विच इज अगेन इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एन। सो टू फाइंड हाउ मेनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स वी हैव टू अकोमोडेट
seven students in three rooms, of which one is a triple room. That means ट्रिपल रूम का मतलब है तीन लोग उसमें आ सकते हैं, टू डबल रूम्स जिसमें दो दो लोग आ सकते हैं. सो वी विल से इट इज इक्वल टू एन आवर एन वन कॉमा एन टू कॉमा एन थ्री एंड इट इज इक्वल टू सेवन थ्री टू टू विच by formula would be equal to 7 factorial over 3 factorial over 2 factorial over 2 factorial. और इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो आंसर आता है मेरा 210 के सात स्टूडेंट्स तीन कमरों में 210 तरीकों से अकोमोडेट किए जा सकते हैं. 210 डिफरेंट तरीके हैं जिससे इन सात लोगों को तीन रूम्स में अकोमोडेट किया जा सकता है, जिनमें से एक ट्रिपल रूम है, एक डबल रूम है और दूसरा भी डबल रूम है. नेक्स्ट जी कॉम्बिनेशंस को हम देखते हैं. एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल से शुरू करते हैं कि अब लेट्स से हमारे पास तीन फ्रूट्स हैं, एप्पल, बनाना और सिट्रस फ्रूट सी. हम इनको कहते हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी. अगर हमने एक जूस बनाना है जिसमें से ये तीनों फ्रूट यूज करने हैं, एप्पल भी, बनाना भी और सिट्रस फ्रूट भी यूज करना है, तो हमारे पास कितने जूसेस बन सकते हैं, कितने डिफरेंट जूसेस बन सकते हैं. हम इसमें क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे, यानी कि एक ही एप्पल है, एक ही बनाना है और एक ही सिट्रस फ्रूट है, यानी कि ऑरेंज है या इस किस्म की कोई चीज है. तो अब इन तीनों को मिक्स करके, तीनों को ही मिक्स करना है, तो हम कितने डिफरेंट जूस बना सकते हैं, क्योंकि तीनों जब मिक्स हो गए तो हमारे पास सिर्फ एक ही जूस बनेगा. तो इसका मतलब है कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि जूस बनाते वक्त पहले मैंने एप्पल डाला या बनाना डाला या ऑरेंज डाला, विच इज अ सिट्रस फ्रूट सी. तो व्हेन यू आर ड्रिंकिंग the juice would not know in which order the fruits have been put into the juice. So, we don't know ke juices jo hain, ye fruits kis order mein juicer mein dale gaye hain. Jo juice hai, wo tino ka combination hai. Usme order important nahi hai. Thus, if we have n objects and we would like to combine all of them, then there is only one combination that we can have. तो n objects को अगर हमने combine करना है तो सिर्फ हमारे पास एक ही combination बनेगा. In combination the order does not matter. In combination the order does not matter. ये major difference है between permutation and combination. अगर मैं permutation में लिखूं, let's say कि a b c A C B, B A C, B C A, C A B, C B A. ये सारे different consider होते हैं. In permutation ये सारे क्या? Different consider होते हैं. In combination A B C बराबर consider होता है A C B के, कि ये दोनों सेम ही हैं. तो जब तक इन तीनों में ए बी और सी मौजूद है तो हमें इनके अरेंजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता. परमुटेशन में अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन में अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है. अब अगर हम थोड़ा सा डिफरेंट देखें, सपोज दैट वी डिसाइड टू यूज ओनली टू फ्रूट्स आउट ऑफ द थ्री ए बी एंड सी टू प्रिपेयर अ जूस. How many different juices can you make? अब हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास तीन फ्रूट्स हैं और हमने सिर्फ दो को यूज करना है एक जूस बनाने के लिए. तो हम ए और बी को यूज कर सकते हैं, ए और सी को भी यूज कर सकते हैं और बी और सी को भी यूज कर सकते हैं. सो तीन डिफरेंट ऑर्डर है. इसके अलावा जो ऑर्डर बन सकते हैं वो बी और ए बन सकते हैं, और ए और बी हो या बी और एंड ए हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता.
क्योंकि जब जूस बन जाएगा दोनों मिक्स हो जाएंगे। तो कॉम्बिनेशंस में हमारे पास ये सिर्फ आप तीन कॉम्बिनेशंस आते हैं। लेट्स से हमारे पास तीन लेटर्स हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी एंड स्मॉल डी, चार लेटर्स हैं, सॉरी वी हैव फोर लेटर्स ए बी सी एंड डी, एंड द टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस बाय द फॉर्मूला वुड बी 4 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 24. नाउ कंसिडर द नंबर ऑफ परमुटेशंस दैट आर पॉसिबल बाय टेकिंग टू लेटर्स एट अ टाइम फ्रॉम 4. अब हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास चार लेटर्स हैं और दो प्लेसेस हैं, तो हम इनको कैसे अरेंज कर सकते हैं। द टोटल अरेंजमेंट्स वुड बी के ए को हमने पहली स्पेस दे दी, दूसरी पे बी रखा, दूसरी पे सी रखा, दूसरी पे तीसरी पे डी रखा, फिर हमने जब बी को पहली स्पेस दी तो दूसरी पे ए, ये सी है, सी डी, सिमिलरली तीसरी पे हमने पहली पे सी रखा अगर तो फिर ए बी और डी आएगा सेकंड पे, फिर अगर पहली पे हम डी रखें तो ए बी और सी आएगा। सो टोटल जो टू लेटर टू प्लेसेस हैं यहां पे, यानी हम कहते हैं टू लेटर्स एट अ टाइम, टेकिंग टू लेटर्स एट अ टाइम आउट ऑफ फोर, हमारे पास कितने परम्यूटेशंस बनेंगी। द परम्यूटेशंस फॉर फोर लेटर टेकन टू एट अ टाइम आर, ये लिख दिया हमने, जो कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला, एन पी आर, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब थोड़ा सा डिफरेंट काम करते हैं, लेट्स चेक विच सेम अल्फाबेट्स आर यूज टू मेक अ ग्रुप, कि आप कौन कौन से अल्फाबेट सेम है, यानी कि कॉम्बिनेशंस चेक करते हैं। इंस्टेड ऑफ परम्यूटेशंस हम क्या चेक कर रहे हैं, कॉम्बिनेशंस। ए बी यहां पे है तो यहां पे बी ए है, तो इसका मतलब ये दो परम्यूटेशंस तो हैं मगर कॉम्बिनेशन सेम है, सो ये सेम हो गए। ए सी को देखें, अगर ये ए सी है, यहां पे सी ए, ये दोनों सेम हो गए। इसी तरह ए डी और डी ए सेम हो गए, तो हमारे पास दो दो के ग्रुप बन रहे। सो हमने क्या किया, सेम कलर कर दिया, ए बी बी ए, ए सी सी ए, ए डी डी ए, बी सी एंड सी बी, बी डी डी बी एंड ए सी और सी ए। तो वी नो दैट आर ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज इन आर फैक्टोरियल वेज। अब क्योंकि हमारे दो लेटर्स हैं, सिर्फ दो लेटर्स हैं, एक ग्रुप में हमारे पास दो दो लेटर्स हैं, तो दो लेटर्स को हम कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, तो हम उसको टू फैक्टोरियल टाइम्स अरेंज कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू टू। देयरफॉर वी हैव टू सेट्स ऑफ सेम अल्फाबेट्स बट डिफरेंट परम्यूटेशंस। तो अगर हम इसको दो से डिवाइड कर लें, जितने ये बने हैं, ये टोटल कितने बने हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, इनको दो से डिवाइड कर लें तो हमारे पास सिर्फ कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। और दो कहां से आया, क्योंकि दो प्लेसेस थी, दो लेटर्स हम यूज कर रहे हैं दो प्लेसेस के लिए, तो जो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस हैं हम उसको टू फैक्टोरियल से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे। कॉम्बिनेशन, द परम्यूटेशन ऑफ फोर लेटर्स ए बी सी एंड डी लेटर्स टेकन थ्री एट अ टाइम कैन बी रिटन डाउन, और उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास। अगर आप इनको लिखना शुरू करें तो आप क्या करेंगे, यू टेक द फर्स्ट लेटर ए एट द फर्स्ट पोजिशन, देन लेटर बी एट द सेकेंड पोजिशन एंड लेटर सी एट द थर्ड पोजिशन। इफ यू कीप ए एट द फर्स्ट पोजिशन एंड बी एट द सेकेंड पोजिशन, देन द थर्ड पोजिशन विल बी टेकन बाय डी। सिमिलरली If I take A as the first position, at the second position I get C, then the third position is taken B. Similarly, A, C, and D, and so on, so forth. इस तरह आप लिख सकते हैं। फिर आप उसमें से देखिएगा कि कौन से
परम्यूटेशंस सेम लेटर्स को यूज कर रहे हैं. कौन सी परम्यूटेशंस? सेम लेटर्स को यूज कर रही हैं और उनके क्या कॉम्बिनेशन है, कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं. सो नेक्स्ट चलते हैं हम. सो देयरफॉर वी डिवाइड ऑल द पॉसिबल परम्यूटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम बाय आर फैक्टोरियल टू गेट द कॉम्बिनेशंस. सो एन सी आर इज इक्वल टू n factorial divided by r factorial divided by n minus r factorial. इसको कैलकुलेट करना, अगर बहुत बड़े नंबर्स हो, n काफी बड़ा नंबर हो, r भी बड़ा नंबर हो, तो फैक्टोरियल वाइज कैलकुलेट करना सर शायद मुश्किल हो, मगर मोस्ट कैलकुलेटर्स में ncr और npr का फंक्शन मौजूद होता है. उसके लिए करना ये होता है कि पहले n की वैल्यू एंटर करनी होती है, फिर ncr का बटन प्रेस करें. अगर वो शिफ्ट के साथ है तो शिफ्ट के साथ प्रेस करें, अगर वैसे है तो वैसे प्रेस करें, और फिर r की वैल्यू. जैसे अगर n, अगर मेरे पास 10 है और r हमारे पास 3 है, तो आप इसको कैलकुलेटर पे कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट एंटर n, देन देयर वुड बी अ बटन जिसके ऊपर लिखा होगा ncr, वो प्रेस करेंगे और फिर 3 प्रेस करेंगे, तो यू शुड गेट द आंसर ऑफ दिस फंक्शन वेयर n इज इक्वल टू 10, r इज इक्वल टू 3. कुछ कैलकुलेटर्स में इसको करने के लिए n 10 शिफ्ट का बटन, क्योंकि ये ncr नॉर्मली शिफ्ट के साथ चल रहा होता है, और फिर आप एन सी आर का बटन प्रेस करें और फिर 3 प्रेस करें, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा. तो आप इसके लिए कैलकुलेटर इस्तेमाल करके चेक कर लें. जो एग्जांपल्स हम करा रहे हैं उनके लिए कैलकुलेटर यूज करें, सो दैट यू हैव फुल कॉन्फिडेंस कि कैलकुलेटर पे ये काम कैसे होते हैं. नेक्स्ट, अब डेफिनेशन पे आते हैं कॉम्बिनेशंस की. When we have n different objects, पहली बात कि they are all different objects and we want to have combinations containing r objects, combinations containing r objects, then we will have n cr such combinations where r is less than n, and this is the formula given here. तो हम इसे कहते हैं n choose r. Let's look at this example. A young boy asks his mother to get 5 cartridges from his collection of 10 arcade games and 5 sports games. How many ways are there that his mother will get 3 arcade and 2 sports games respectively? Problem kya hai? Ek bachcha hai jiske paas arcade games hain total. टोटल आर्केड गेम्स 10 हैं और स्पोर्ट्स गेम्स 5 हैं. वो अपनी मदर से रिक्वेस्ट करता है कि मेरे लिए 5 गेम्स ले आए, जिनमें से 3 जो हैं वो आर्केड गेम्स में से पिक कर लें और 2 जो हैं वो स्पोर्ट्स गेम से लें. अब टोटल आर्केड गेम्स 10 हैं और जो लेनी है मदर ने वो सिर्फ 3 लेनी है, तो हमारे पास n1 हो गया 10 और r1 हो गया 3. सिमिलरली टोटल स्पोर्ट्स गेम जो है n2 5 हैं और r2 जो हैं वो 2 गेम्स हमने पिक करनी है, 5 में से 2 और 10 में से 3. अब 10 में से पहली 3 उठा लें, वो दूसरी 3 उठा लें, या पांचवी छठी सातवीं उठा लें, वो उन पे डिपेंड करता है. तो वो कितनी डिफरेंट गेम्स ला सकती हैं, कितनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बच्चे के लिए ला सकती हैं, तो उसका तरीका है लिखने का, वो क्या है कि 10 गेम्स में से उन्होंने 3 चूज करनी है. ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वी विल हैव 10 factorial divided by
3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 माइनस 3 फैक्टोरियल एंड दिस कम्स आउट टू बी के 10 टाइम्स 9 टाइम्स 8 टाइम्स 7 फैक्टोरियल और नीचे अगर देखें तो 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 3 का फैक्टोरियल आ गया और 10 माइनस 3 का आ गया 7 फैक्टोरियल. तो ये मैं 7 7 कैंसिल कर देता हूँ, 4 एंड 3, तो 12 इंटू 10 120. सो जो आर्केड गेम्स में उनमें से 120 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं. सिमिलरली फॉर स्पोर्ट्स गेम्स जो फार्मूला है वो 5 चूज 2 है, तो वो बनेगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल एंड डिवाइड बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल सॉरी. सो दिस कम्स 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल. तो 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 ये 2 4 से कैंसिल, सो वी हैव 10 चॉइसेस. सो अगर मैं इसको ये कह दूं कि दिस इज एन 3 एंड दिस इज एन 4, तो आर्केड गेम में से 100 डिफरेंट 120 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस वो ला सकती हैं और फ्रॉम स्पोर्ट्स गेम्स वो 10 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ला सकती हैं. अगर कॉम्बिनेशन नंबर 1 हो फ्रॉम आर्केड गेम तो उसके लिए 10 डिफरेंट चॉइसेस हैं ऑफ स्पोर्ट्स गेम्स. इसी तरह कॉम्बिनेशन नंबर 2 हो फ्रॉम आर्केड गेम्स तो फिर अगेन 10 डिफरेंट चॉइसेस हैं फॉर स्पोर्ट्स गेम्स एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो बेसिकली यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन रूल वी हैव एन 3 टाइम्स एन 4 विच इज इक्वल टू 120 टाइम्स 10 इज 1200 वेज या आप कह लें कॉम्बिनेशन ऑफ गेम्स. सो अगर इस एग्जाम्पल को रिपीट करते हैं हम कि टोटल आर्केड गेम्स 10 है जिसमें से 3 चूज करनी है. उनको चूज करने का फॉर्मूला वही है 10 चूज 3, तो वो हमारे पास आता है 120 और टोटल स्पोर्ट्स गेम्स 5 हैं, उनमें से सिर्फ 2 चूज करनी है, तो हमारे पास टोटल फार्मूला जो आता है वो आता है 5 चूज 2 से हमारे पास 10 डिफरेंट चॉइसेस आती हैं, कॉम्बिनेशंस आते हैं. अब फॉर ईच कॉम्बिनेशन ऑफ आर्केड गेम देयर वुड बी 10 डिफरेंट चॉइसेस ऑफ स्पोर्ट्स गेम्स. सो वी यूज द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड फाइंड दैट देयर आर टोटल 1200 वेज इन विच द गेम्स कैन बी पिक्ड अप फ्रॉम दोज आर्केड एंड स्पोर्ट्स गेम्स. नेक्स्ट ये एग्जाम्पल हम पहले कर चुके हैं. इन हाउ मेनी वेज 7 ग्रेजुएट स्टूडेंट बी असाइंड 1 ट्रिपल एंड 2 डबल रूम्स ड्यूरिंग अ कॉन्फ्रेंस. लेट्स गो टू अनदर एग्जाम्पल. हाउ मेनी डिफरेंट लेटर अरेंजमेंट्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स इन द वर्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स. अच्छी खूबसूरत एग्जाम्पल है. हाउ मेनी डिफरेंट लेटर अरेंजमेंट्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स इन द वर्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स. सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कौन कौन से वर्ड्स कितनी दफा लेटर्स कितनी दफा आ रहे हैं. अगर मैं देखूं एस जो है मेरे पास कितनी दफा आ रहा है, 1 2 3 दफा एस 3 दफा आ रहा है. अब नेक्स्ट लेटर टी है, टी कितनी दफा आ रहा है, 1 2 3 अगेन वो भी 3 दफा आ रहा है. ए जो है वो 1 दफा आ रहा है. टी हो चुका है. आई 1 और 2 दफा आ रहा है.
एस हो चुका, टी हो चुका, आई हो चुका और सी जो है मेरे पास अगेन एक दफा आ रहा है। तो टोटल लेटर्स कितने हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 3 + 3 = 6 7 8 9 and 10 एंड एन जो टोटल प्लेसेस हैं वो 10। सो देयरफॉर अब क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी डिफरेंट लेटर अरेंजमेंट्स हमने ये सारे यूज करने हैं, सारे अल्फाबेट्स जो इसमें मौजूद हैं लव स्टैटिस्टिक्स में, उन सब को यूज करते हुए हम कितने डिफरेंट वर्ड्स या लेटर अरेंजमेंट, वो सारे के सारे शायद वर्ड्स ना हो मगर लेटर्स को अरेंज कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट ऑर्डर में कैसे अरेंज कर सकते हैं। सो वी हैव टोटल एन प्लेसेस एंड एन लेटर्स, 10 प्लेसेस एंड 10 लेटर्स इन विच वी हैव एस विच इज 3 times, टी विच इज 3 times। अब खूबसूरत बात यह है कि एस, पहला एस, दूसरा एस और तीसरा एस कोई डिफरेंट नहीं है। अगर मैं इस एस को इससे रिप्लेस कर दूं या इस एस को इससे रिप्लेस कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ता। सो हाउ वी डू इट, वी डू द सेम फॉर्मूला विच इज 10, एन इज इक्वल टू 10, देन वी हैव 3, 3, 2, 1, 1 चॉइसेस and it comes out to be 10 factorial over 3 factorial over 3 factorial over 2 factorial over 1 factorial over 1 factorial और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो यू गेट 50,400 लेटर अरेंजमेंट। सो वर्ड स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास 10 लेटर्स थे जिसमें ग्रुप्स थे 3, 3, 1, 2 और 1 के, और हमने इनको अरेंज करना था एंड दिस इज हाउ यू अरेंज देम इनटू 50,400 लेटर्स। इसी किस्म के एक और एग्जांपल है, हम नेक्स्ट एग्जांपल भी एग्जैक्टली सेम है, इसमें अगर देखें तो वर्ड जो हमें गिवन है वो है इन्फिनिटी। हाउ मैनी डिस्टिंक्ट परमुटेशंस कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इन्फिनिटी। इसमें जो एन है मेरे पास दैट मीन्स द टोटल लेटर इज इक्वल टू, काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। और फिर हम देखते हैं आई कितने हैं मेरे पास, 1, 2, 3 ओके मैं इसको थोड़ा डिफरेंट कर लेता हूं, एन वन कर लेता हूं या एन नॉट कर लेता हूं क्योंकि इस लेटर इन्फिनिटी में भी एन मौजूद है। तो स्मॉल एन जो है मेरे पास वो है 1, 2। सिमिलरली एफ टी और वाई जो है मेरे पास सिर्फ एक एक दफा आ रहे हैं, एफ भी टी भी और वाई भी एक एक दफा मौजूद है। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ एन थिंग्स ऑफ विच N1, N2, N3 सारे जो हैं वो 3, 2, 1, 1 and 1 है, तो वो बनेगा हमारे पास 8/3, 2, 1, 1, 1 डिस्टिंक्ट परमुटेशंस। इसको अगर आप आगे देखें तो 1 जाएगा मेरे पास 8 factorial over 3 factorial over 2 factorial over 1 factorial 1 factorial and 1 factorial। और इसको अगर सॉल्व किया जाए तो हमारे पास आते हैं 3,361
distinct permutations ये दो एग्जांपल्स किया आपने जिसमें लेटर्स को यूज किया. इसमें याद रखें द टोटल नंबर ऑफ लेटर्स वुड बी द लेटर्स इन द वर्ड्स, और फिर आपने उन सब को इंडिविजुअली देखना है कौन कितनी दफा रिपीट हो रहा है, और उनके ऑब्वियसली उनके पोजीशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम इसको यूं करते हैं. नेक्स्ट आप देखते हैं अ कॉलेज प्लेस 12 फुटबॉल गेम्स ड्यूरिंग अ सीजन. एक सीजन में, एक साल में, लेट से सीजन जो होता है फुटबॉल गेम्स का, उसमें वो 12 मैचेस प्ले करता है. इन हाउ मैनी वेज कैन द टीम एंड द सीजन विथ 7 विंस 3 लॉसेस एंड 2 टाइस. क्या 12 मैचेस में से 7 दफा वो जीत जाए, 3 दफा हार जाए और 2 दफा मैच ड्रॉ हो जाए, बराबर हो जाए. सो इसमें बड़ा सिंपल है, हम देखना चाह रहे हैं कि टोटल एन जो है मेरे पास वो 12 है, जो विन्स हैं वो 7 हैं, लॉसेस जो है मेरे पास 3 हैं और ड्रॉज या टाइज जो हैं वो 2 हैं. तो इन सब को अगर ऐड करें 7 + 3 = 10 + 2 = 12, तो ये इसके बराबर बनते हैं. अब विन पहले टीम से हो, तीसरी से हो या चौथी से हो, वो टोटल 7 होनी चाहिए. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले मैच में या दूसरे मैच में, या कंजेक्टिव 7 विन्स हैं फिर 3 लॉसेस हैं फिर 2 टाइज हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो इस प्रॉब्लम को भी हम ग्रुप्स में देखेंगे कि विन्स हैं, लॉसेस हैं और 2 टाइज हैं. उसको अगर हम देखें तो ये 12, 7 विन्स, 3 लॉसेस एंड 2 ड्रॉज, इनको हम सॉल्व करें तो आंसर आता है 7920 वेज. तो 7920 वेज में ये सीजन एंड कर सकते हैं. इसका मतलब है कि हो सकता है वो पहली 7 टीमों से जीत जाएं, फिर पहले दूसरे 3 हार जाएं और आखिरी 2 मैचेस ड्रॉ हो जाएं, या यूं हो कि पहले 3 मैच हार जाएं, फिर 7 जीत जाएं, फिर 2 ड्रॉ हो जाएं, या 1 जीतें, 2 जीतें, 1 हारें, फिर 2 जीतें, 1 हारें. इस किस्म की जितनी कॉम्बिनेशंस बन सकती हैं ऑल डिफरेंट, वो 7920 परम्यूटेशंस बन सकती हैं. इसमें ऑब्वियसली आप ये फार्मूला अब काफ़ी दफ़ा हम यूज़ कर चुके हैं, इसको आगे चलते हैं. अब नेक्स्ट, 9 पीपल आर गोइंग ऑन अ स्कीइंग ट्रिप इन 3 कार्स दैट होल्ड 2, 4 and 5 पैसेंजर्स. 9 पीपल आर गोइंग ऑन अ स्कीइंग ट्रिप इन 3 कार्स. अब तीनों गाड़ियों में 2 बंदे बैठ सकते हैं पहली कार में, दूसरी में 4 बैठ सकते हैं और तीसरी में 5 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं रिस्पेक्टिवली. इन हाउ मैनी वेज Is it possible to transport the 9 people to the ski lodge using all cars? बात यह है कि तीनों ही गाड़ियां लेके जानी है और तीनों की कैपेसिटी भी हमें गिवन है. तो टोटल हम लिखेंगे कि हमारे पास टोटल जो पीपल हैं या लोग हैं वो n = 9 है. अब मैं थोड़ा सा काम करता हूं, कार 1 जो है, फिर कार 2 और कार 3. हमने तीनों गाड़ियों में कुछ लोगों को बिठाना है और तीनों ही गाड़ियों ने जाना है. अब पहली गाड़ी की जो कैपेसिटी है, सीटिंग कैपेसिटी है, वो 2 है. दूसरी गाड़ी में 4 लोग बैठ सकते हैं और तीसरी कार में 5 लोग बैठ सकते हैं. ये तो एक ऑप्शन है मेरे पास, मगर आप ये देखें कि 2 + 4 = 6 + 5 = 11 प्लेसेस है हमारे पास, हत्ता के जो लोग हैं सिर्फ 9 हैं. तो ये तो हो गया हमारे पास कैपेसिटी. तो कैपेसिटी जो है वो 2, 4 and 5 है. बिठाते कैसे हम, और याद रहे कि किसी भी गाड़ी में एक से कम
लोग नहीं हो सकते, मिनिमम एक लोग हो सकते हैं क्योंकि तीनों गाड़ियों ने जाना है। तो अगर हम एज्यूम करें कि पहली गाड़ी में हमने एक शख्स को बिठाया, तो दूसरी गाड़ी में हमने चार लोगों को बिठा दिया, तो टोटल पांच बन गए, तो तीसरी में हमें ला मुहाला चार लोगों को अकोमोडेट करना पड़ेगा। अगर हम पहली गाड़ी में दो लोग बिठा दें, दूसरी में हम चार ही बिठाएं, तो तीसरी में हम तीन लोग बिठा सकते हैं। अगर पहली गाड़ी में हम अब दो से ज़्यादा नहीं बिठा सकते, लेट्स से हम पहली गाड़ी में एक पर्सन बिठाते हैं और दूसरी में तीन बिठाते हैं, तो पांचवी में हम एक और तीन चार और पांच बिठाने पड़ेंगे। आप पहली गाड़ी में एक ही बिठाएं, दूसरी में दो बिठाएं, तो तीन, और तीसरी में छह बिठाने पड़ेंगे और छह उस कार की कैपेसिटी नहीं है, तो इससे आगे हम नहीं जा सकते। अब हम फिर देखते हैं, अगर पहली गाड़ी में दो लोग बिठा लें और दूसरी में तीन बिठा लें और तीसरी में हमें फिर चार लोग बिठाने पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट पे देखें, अगर पहली में दो बिठाएं, दूसरी में भी दो बिठाएं और तीसरी में पांच बिठाने पड़ेंगे, इससे डिफरेंट कोई और कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। तो ये तो हो गया, हमारे पास डिफरेंट सेटिंग्स होगी। तो पहली सेटिंग के लिए जिसमें एक कार में एक शख्स, दूसरी में चार और तीसरी में भी चार हैं, उसके लिए हम अगर फार्मूला यूज करें, नाइन लोगों को हमने सेटिंग करनी है, वो क्या बनेगा, वन फोर फोर का ये कॉम्बिनेशन बनेगा, दिस इज फॉर द फर्स्ट वन, ठीक है। और दूसरे के लिए जो बनेगा वो बनेगा नाइन टू फोर थ्री, तीसरे के लिए बनेगा नाइन वन थ्री फाइव, फोर्थ कॉम्बिनेशन बनेगा नाइन टू थ्री एंड फोर, और इसके लिए बनेगा नाइन टू टू और फाइव। सो पहले तरीके से अगर बिठाएं जिसमें एक गाड़ी में एक शख्स, दूसरी में चार और तीसरी में भी चार हैं, तो हमारे पास इतने आंसर, इसका आंसर आ जाएगा, और इसी तरह दूसरे का, तीसरे का, चौथे का और पांचवें का। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन हैं जो हमारे पास बन रहे हैं, कौन से लोग कितनी गाड़ी में बैठे हैं, इन सबको अगर जब हम ऐड करेंगे, सबको ऐड कर देना है। तो हमारे पास आंसर जो बनता है वो बनता है 4410 वेज में ये नौ लोग तीन गाड़ियों में अकोमोडेट हो सकते हैं, ये नौ लोग तीन गाड़ियों में अकोमोडेट हो सकते हैं। इस प्रॉब्लम में याद रखिएगा कि हमने कहीं भी इनकी सीटिंग कैपेसिटी को एक्सीड नहीं किया, ये सीटिंग कैपेसिटीज थी दो चार और पांच, यानी कि गाड़ियों में इतनी सीटें अवेलेबल थी, हमने उनको एक्सीड नहीं किया और डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाए, तमाम कॉम्बिनेशन वैलिड हैं, और फिर हमने उसको सॉल्व किया तो हम बस इतने डिफरेंट वेज आ गए। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोबेबिलिटी की तरफ। इफ देयर आर एन इक्वली लाइकली पॉसिबिलिटीज ऑफ विच वन मस्ट अकर एंड एस आर रिगार्डेड एज फेवरेबल और सक्सेसेस, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस इज गिवन बाय एस बाय n. If there are n equally likely possibilities of which one must occur and s are regarded as favorable or successes, then the probability of success is given by s by n. इसमें next जो था, if an event can occur in h different possible ways, all of which are equally likely, the probability of the event is h by n. तीसरी डेफिनेशन जो है हमारे पास, इफ n रिपीटेशंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, n इज वेरी लार्ज, एन इवेंट इज ऑब्जर्व टू अकर इन h ऑफ दीज, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज h बाय
and we call this a frequency approach or empirical approach. तो ये सारी definitions हैं. इनमें अगर देखा जाए तो जो हमारे लिए success है वो कितनी दफा कर हुई और total number of time या total number of outcomes कितने थी उसको divide करें तब भी probability आ जाती है मेरे पास. On the other way, एक experiment को बहुत large दफा perform किया जाए तो जितने मेरा favorable outcomes हैं h हैं और total number of जो experiment perform किया वो n है तो तब भी हम उसको h by n से हम probability calculate कर सकते हैं. Let's go axioms of probability. तो axiom of probability क्या है? To each event ai, let's say एक sample space है उसमें से एक event हम उठाते हैं ai which is a subset of the sample space and we associate a real number which is p of ai, then p is called the probability function and pai the probability of the event ai. हम उसको pai को हम क्या कहते हैं? Is the probability of the event ai. If the following axioms are satisfied, for every event a, probability of ai is greater than equal to 0. For a certain event s, probability of s is equal to 1. For any number of mutually exclusive events a1, a2 up till an in the class, then probability is a1 union a2 union a3 up till union an is equal to probability of a1 plus probability of a2 plus probability of a3 up till probability of an. And then we say two events a and b are mutually exclusive or disjoint if a intersection b is equal to null set. अब सारे axioms को अगर देखा जाए सबसे पहली बात है कि probability हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा. इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. हम किसी इवेंट की भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं कह सकते. इट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर. और मैक्सिमम जो नंबर हो सकता है वो 1 हो सकता है. इट विल बी अ पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड इट विल लाई बिटवीन 0 एंड 1. क्योंकि एक सर्टन इवेंट है. लेट्स से एक सैंपल स्पेस है. सैंपल स्पेस ऑफ टॉसिंग अ कॉइन एंड वी अज्यूम के कॉइन वर्टिकली खड़ा नहीं हो जाएगा या हेड आएगा या टेल आएगा. अब हम कॉइन को जितनी दफा भी टॉस करें या हेड आएगा या टेल आएगा. सो दैट मींस सैंपल स्पेस जो कि इटसेल्फ भी लेट्स से एक इवेंट है तो सैंपल स्पेस में से हमेशा कोई ना कोई आउटकम आती है. ये ऐसे ही हो गया जैसे हम कहें कि हेड आए या टेल आए मैं तो जीतूंगा. तो सैंपल स्पेस में अगर हेड एंड टेल दोनों मौजूद हैं हम टॉस करते हैं तो चाहे हेड आए चाहे टेल आए तो सैंपल स्पेस तो एग्जिस्ट करता है. सैंपल स्पेस तो आ गया. तो सिमिलरली अगर एक डाई को रोल करते हैं हम तो उसकी सैंपल स्पेस बनती है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. अब डाई को जब भी रोल करेंगे चाहे 2 आए वो भी सैंपल स्पेस का हिस्सा है, 5 आए तब भी सैंपल स्पेस का हिस्सा है. तो इसका मतलब है सैंपल स्पेस जो है वो हमेशा एग्जिस्ट करेगी और इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सैंपल स्पेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1. नेक्स्ट कहता है वो फॉर एनी नंबर ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का जो मतलब है वो है कि अगर ए होगा तो A1 होगा तो A2 नहीं हो सकता. यानी कि A1 और A2 में कोई चीज कॉमन नहीं है. A1 और A2 में कोई चीज कॉमन नहीं है. फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स A1, A2 अप टिल AN ये तमाम के तमाम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं. फिर इनकी जब प्रोबेबिलिटीज ऐड की जाएंगी प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन यानी कि हम पहले इन सबको ऐड कर लें A1 यूनियन A2 यूनियन A3 अप टिल यूनियन AN इन तमाम की प्रोबेबिलिटीज
यूनियन की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के सम के। सो अब मैं अगर वेन डायग्राम से चलूं तो देखें, अगर ये एक सैंपल स्पेस है एस, उसमें एक इवेंट है ए वन, एक इवेंट है ए टू, एक इवेंट है ए थ्री, एक इवेंट है ए फोर, इस तरह सब इवेंट्स और भी हैं। तो इस ए वन और ए टू में कोई चीज कॉमन नहीं है, इसलिए हम इसको कहते हैं ये डिसजॉइंट है। ए वन और ए फोर में कोई चीज कॉमन नहीं है, ये भी डिसजॉइंट है। ए टू और ए फोर में कोई चीज कॉमन नहीं है, वो भी डिसजॉइंट है। और ए टू और ए थ्री में भी कोई चीज कॉमन नहीं है, वो भी डिसजॉइंट है। तो जब इनको हम यूनियन करेंगे तो एक नया चीज बनेगी जिसमें यह भी शामिल होगा, यह भी शामिल होगा, ए फोर भी शामिल होगा और ए थ्री भी शामिल। इन सब को जब हम ऐड करते हैं तो एक और लेट से ये सी बन जाता है और इन सब की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को ऐड करने के बराबर होगा। इस पे जब हम एग्जांपल करेंगे आगे तो ये फर्दर क्लियर हो जाएगा। लेट से अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन हेड अकर्स। अब हमारे पास जो सैंपल स्पेस है इसकी, एक कॉइन को हमने दो दफा टॉस किया, तो सैंपल स्पेस अगर मैं लिखूं वो क्या बनती है, हेड 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 टेल टेल हेड एंड टेल टेल। सबसे पहली बात, क्या हम इनको प्रोबेबिलिटीज असाइन कैसे करते हैं। लेट से ये आउटकम नंबर वन है, आउटकम नंबर टू, आउटकम नंबर थ्री, आउटकम नंबर फोर। यहां पे अगर ये इक्वली लाइकली हैं, यानी कि कॉइन बायस्ड नहीं है, जितने चांसेस हैं कॉइन के हेड आने के उतने चांसेस हैं कॉइन के टेल आने के, तो बायस्ड नहीं है, तो हम लेट से इनको प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच को हम इक्वल टू W रख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी को भी इक्वल टू W रख लेते हैं, क्योंकि ये बायस नहीं है, जितनी प्रोबेबिलिटी है एच आने की उतनी ही प्रोबेबिलिटी है एच टी आने की। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच को भी हम W रख लेते हैं, और सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ टी टी को भी हम W रख लेते हैं। सो तमाम की प्रोबेबिलिटीज W हैं। अब अगर सडन इवेंट है विच इज, इन सब को कंबाइन कर लूं तो वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इक्वल टू वन आता है, तो हम कह सकते हैं कि डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू वन, के चाहे हेड हेड आए, चाहे हेड टेल आए, चाहे टेल हेड आए, चाहे टी टेल टेल आए, अगर कोई भी ये पूरा इवेंट होता तो इन सब की प्रोबेबिलिटीज ऐड हो जाती, क्योंकि सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। अगर हेड हेड आता है तो हेड टेल नहीं आ सकता, अगर टेल हेड आता है तो टेल टेल नहीं आ सकता, इसलिए सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। इन सब की प्रोबेबिलिटीज ऐड होके हमेशा वन होनी चाहिए, बिकॉज दैट्स अ फंडामेंटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट ऑल प्रोबेबिलिटीज शुड ऐड अप टू वन, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ द सैंपल स्पेस एस इज वन। So we say 4W is equal to 1 and W is equal to 1 by 4. Iska matlab ye hua ke probability of HH is equal to 1 by 4, probability of HT is equal to 1 by 4 and this is also equal to 1 by 4 and this is equal to 1 by 4. So ye tamam probabilities agar 1 by 4 hain, अब वो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, एट लीस्ट वन हेड अकर्स। तो वन हेड कहां कहां आता है, इसमें दो हेड हैं तो वन वाली तो कंडीशन ट्रू होती है, दूसरे में भी एक हेड है तो कंडीशन ट्रू है, तीसरे में भी एक हेड मौजूद है कंडीशन ट्रू है, सो दैट इम्प्लाइज कि ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है। सो वो इवेंट
ए क्या हो गया, इवेंट ए इज इक्वल टू हेड 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 टेल एंड टेल हेड। ये इवेंट ए है जिसमें एक हेड एटलीस्ट मौजूद है। सो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए विच इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4, ये 1/4 एच एच था, फिर दूसरा एच टी का 1/4 था और फिर तीसरा टी एच का 1/4 है, तो इट इज इक्वल टू 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड इज इक्वल टू 3/4 व्हेन अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस। तो ये हमारी एग्जांपल होगी। इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट थी वो सबसे पहले वो ये थी कि हमने पहले तमाम इंडिविजुअल आउटकम्स को एक प्रोबेबिलिटी असाइन की विच वॉज इक्वल टू W, क्योंकि तमाम के तमाम इक्वली लाइकली थे तो सबको हमने W असाइन किया। फिर हमने कहा कि अगर एक इवेंट है विच इज इक्वल टू S, दैट मीन्स उसमें एच एच पी है, एच टी पी है, टी एच पी है और टी टी भी है, तो हम उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, जो कि हमने एग्जाम्स में पढ़ा। तो हमने कहा इन तमाम की प्रोबेबिलिटीज अगर ऐड की जाए वो भी इक्वल टू 1 आनी चाहिए। तो हमने कहा W प्लस W प्लस W प्लस W इज इक्वल टू 1, 4W इज इक्वल टू 1, एंड देन वी फाउंड द वैल्यू ऑफ W एंड गेव इट बैक टू द ओरिजिनल प्रोबेबिलिटीज विच वी असाइंड। उसको करने के बाद वी गॉट द इवेंट विच वॉज वेयर एटलीस्ट वन हैड अकर्ड, एंड देन हमने वो प्रोबेबिलिटी फाइंड की जिसमें एक हेड है, और वो क्योंकि तीन आउटकम्स थी जहां पे एक एक हेड मौजूद था, तो फिर हमने इनको ऐड किया 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को, और आंसर आया मेरे पास 3/4। नेक्स्ट एग्जांपल को देखें। अ डाई इज लोडेड इन सच अ वे दैट एन इवन नंबर इज ट्वाइस एज लाइकली टू अकर एज एन ऑड नंबर। इफ ई इज द इवेंट दैट अ नंबर लेस देन 4 अकर्स ऑन अ सिंगल टॉस ऑफ द डाई, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। सबसे पहली बात इसमें हमने करना है कि डाई जो है वो फेयर नहीं है, इट्स लोडेड। डाई इज लोडेड इन सच अ वे दैट एन इवन नंबर इज ट्वाइस एज लाइकली। ट्वाइस एज लाइकली से क्या फर्क पड़ा कि अब हमारे सारे के सारे जो आउटकम्स हैं वो इक्वली प्रोबेबल या इक्वली लाइकली नहीं है, तमाम की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होंगी, इवन नंबर्स की डबल हैं टू ऑड नंबर्स। सो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं, सैंपल स्पेस लिखते हैं यहां पे विच इज इक्वल टू 1। डाई का अगर रोल करें तो हमारे पास 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। अब अगर हम प्रोबेबिलिटीज असाइन करें इन सबको, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 को हम अगर W कह लें, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 विच इज एन इवन नंबर शुड बी इक्वल टू 2W, क्योंकि हमने यहां पे पढ़ा है कि इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी डबल है टू ऑड नंबर्स के। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 अगर W है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इज 2W। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 अगर W है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इज ट्वाइस W। तो तमाम ऑड नंबर्स को हमने W प्रोबेबिलिटी असाइन की और इवन नंबर्स को 2W। अब हमें यह भी पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 शुड बी इक्वल टू 1, क्योंकि सैंपल स्पेस में से तमाम एलिमेंट्स को, तमाम आउटकम्स को अगर की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करें अगर हम, तो जवाब हमेशा हमारा
1 आना चाहिए, बिकॉज दिस इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सैंपल स्पेस. तो अगर इसको सॉल्व करें तो इट विल बी w प्लस 2w, प्रोबेबिलिटीज की जगह आप वो नंबर्स डाल दें, 2w वाला w प्लस अगेन 2w, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 वाज w एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 वाज अगेन 2w, एंड दिस होल शुड बी इक्वल टू 1. इनको ऐड करें 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इट इज इक्वल टू 9w इज इक्वल टू 1, विच इंप्लाइज w इज इक्वल टू 1/9. सो हमारे पास आ गया w इज इक्वल टू 1/9. अब करना क्या है, इफ इवेंट e इज अ इवेंट दैट अ नंबर लेस देन 4 अकर्स, अ नंबर लेस देन 4. सो इवेंट e इज अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस विच वॉज 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो इवेंट e इज अ नंबर विच इज लेस देन 4. लेस देन 4 में 1, 2 और 3 रहता है, 4 उसमें इंक्लूसिव नहीं होगा, लेस देन 4 हम देख रहे हैं. सो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट e विल बी नथिंग बट इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3. और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या है, अच्छा फिर ये देखें, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है. अगर 1 आता है तो 2 नहीं आएगा, 2 आता है तो 3 नहीं आ सकता, 2 आता है तो 1 नहीं आ सकता, इसलिए हम इनकी प्रोबेबिलिटीज को डायरेक्टली ऐड करें. प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 वाज w, w इज 1/9. प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 वाज 2w व्हिच इज वेयर w इज 1/9, सो आंसर इज 2/9. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इज w एंड इट इज 1/9. इनको ऐड करें तो इट्स 4/9 इज द आंसर. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ e व्हिच वाज इक्वल टू नंबर लेस देन 4 इज इक्वल टू 4/9. ये आपका आंसर आ गया. सो हियर इन दिस एग्जाम्पल हमने जो बाइस्ड डाइस था जिसमें लोडिंग इस तरह से की गई थी कि इवन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी डबल है टू ऑड नंबर्स, तो हमने उसको सॉल्व किया और उसमें देखा तरीकाकार क्या है कि हम हर आउटकम को एक प्रोबेबिलिटी असाइन कर देते हैं, एक वेरिएबल असाइन कर देते हैं w, और फिर हम देखते हैं कि तमाम पॉसिबल आउटकम्स का सम जो है वो इक्वल टू 1 ही होना चाहिए हमेशा, बिकॉज दैट्स अ सर्टेन इवेंट, दैट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सैंपल स्पेस. तो जब हम सबको ऐड कर लेते हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं, ऑल आउटकम्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट, ये भी याद रखें, हम जब सम करते हैं और इक्वल टू 1 करते हैं तो उसमें ये ट्रू है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आने की प्रोबेबिलिटी और 2, यानी कि 1 और 2 दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते, या 1 आएगा या 2 आएगा, दैट मीन्स दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट. तो इसलिए जब हम इनको ऐड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस निकालने के लिए तो इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं, फिर जो प्रोबेबिलिटीज हमने सपोज की होती हैं यानी कि वेरिएबल असाइन किया होता है वो हम डाल देते हैं इसमें, w, 2w, w, 2w एंड सो ऑन सो फोर्थ, इनको ऐड करते हैं एंड इक्वल टू 1 रखते हैं, उससे हमें w की वैल्यू पुट मिल जाती है. वो w की वैल्यू हम वापस अपने प्रोबेबिलिटीज जो असाइन की थी वहां पर रख सकते हैं, इस वेरिएबल की वैल्यू अब हमें मिल गई है. फिर जो इवेंट था जिसके लिए हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी थी, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट करनी थी वो क्या था, इवेंट वॉज ऑल नंबर्स विच आर लेस देन 4, वो हमने यहां पे दे दिया. एंड लेस देन 4 हमारे पास क्या था, 1, 2 एंड 3, एंड देन हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, एंड प्रोबेबिलिटी में भी प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट जब निकाल रहे हैं तो इट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3. क्यों, बिकॉज जब 1 आता है तो 2 नहीं आ सकता, 2 आता है तो 1 नहीं आ सकता, सो इन सब की डिसजॉइंट है और इनकी प्रोबेबिलिटीज ऐड अप हो जाएंगी, और जब हम इसको यूज करेंगे
तो इनकी जगह वैल्यूज डालेंगे तो आंसर हमारा 4/9 आया। आज हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा, उसके परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के डिफरेंस को काफ़ी डिटेल में हमने स्टडी किया है। आज हमने कॉम्बिनेशंस के और परम्यूटेशंस के कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की, फिर हमने प्रोबेबिलिटी के सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज को भी हमने आज डिस्कस किया कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे तो उनकी प्रोबेबिलिटीज ऐड अप हो सकती हैं। इन तमाम चीजों का जो रेफरेंस है वो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट बाय वॉलपोल की बुक में से आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।